कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां पर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 5 जुलाई की सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल समी खान ने ऐलान करते हुए कहा है कि हड़ताल का दौरानिया एक दिन से ज़्यादा भी मुमकिन है और डीलर्स को कहा है कि 4 जुलाई तक का पेट्रोल पम्प्स पर रखें। अब्दुल समी खान ने कहा है कि कल रात से मुल्क भर के पंप्स ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। मुल्क भर में 14,000 डीलर्स अपने पंप 5 जुलाई से बंद कर देंगे। उन्होंने कहा है कि शहरियों से अपील है कि वो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा लें। सदर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कहा है कि वजीरे खजाना, चेयरमैन FBR और चेयरमैन ओग्रा से मुलाकातें हुई, लेकिन मुज़ाकरात में कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके सबब हड़ताल कर रहे हैं। डबल टैक्सेशन आइन के खिलाफ वर्जी है।